तो हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खुनी का। तो आप वीडियो का थंबनेल वो देख लिया तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है। तो यहाँ पर मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अभी आप में से बहुत सारे बंदों ने बहुत सारे हेडशॉट के नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा ड्रैग हेडशॉट, वन टैप हेडशॉट। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ सुपर जंप हेडशॉट आप किस तरीके से मार सकते हो। यहाँ पर आप सुपर जंप हेडशॉट मारोगे तो उस टाइम पर आपका लेवल है ना वो अलग ही तरीके से देखेगा। यानी आपको अगर सामने वाला एनिमी स्पॉट कर रहा है या फिर कहीं आपको सामने वाला एनिमी देख रहा है जिसको आपने मारा है, तो वो भी बंदा यही बोलेगा कि यार कई बंदे ने मतलब मेरे को हेडशॉट है वो मारा है। बट यहाँ पे मैं सुपर जंप हेडशॉट की बात करूँ, उससे पहले इस वीडियो में 200 डायमंड का गवा चला जाएगा। मेरी तरफ से दो रैंडमली बंदे कोई भी हो सकते हैं जिनको 100 डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो जो आपको सिंपली गवा में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी यूआईडी के साथ एक बेस्ट कमेंट है वो डालना है। तो मेरी तरफ से दो रैंडमली बंदे को 100 डायमंड है वो दे दिए जाएंगे। और गाइस उसी के साथ तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि नीचे एक साइड देखो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप एक बार देखो तो सही, ठीक है। उस पर आपको सिंपली टैप करना, जैसे आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर टैप करोगे तो वो सिंपली व्हाइट का हो जाएगा, ठीक है। उसके पास में एक बेल नोटिफिकेशन का बटन होता है, उसको आपको ऑल पर सेट कर देना। जैसे कि आप ये दोनों काम करोगे तो आप हमारी फैमिली का मेंबर है वो बन जाओगे। तो यार फैमिली का मेंबर बनने में कोई बुराई तो होती नहीं था, जल्दी से जल्दी जितने भी भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली का मेंबर जरूर जरूर बन जाओ यार। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हो सके तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर जरूर प्रेस कर देना। चलो अभी हम बात करने वाले सुपर जंप हेडशॉट किस तरीके से आप मार सकते हैं। आपको मैं पूरा ए सी लेके जेड तक समझाने वाला हूँ कि आप सुपर जंप हेडशॉट किस तरीके से सामने वाले बंदे को मार सकते हो। तो अभी हम बात करने वाले सुपर जंप हेडशॉट के ऊपर। अगर आप किसी बंदे को सुपर जंप हेडशॉट मारते हो तो उस टाइम पे आपको क्या चीज करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनना। तो जब भी आप किसी बंदे को हेडशॉट मारते हो, एक तो होता है हेडशॉट, यानी कि आप सीधा खड़ा होकर कैसे भी मतलब आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हेडशॉट मार सकते हो, लेकिन एक होता है आप सामने वाले बंदे को यानी जंप करके हेडशॉट मार रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सुपर जंप हेडशॉट। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सुपर जंप हेडशॉट मारने के लिए आपको तीन चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले जंप करना है, ठीक है। जंप करने के साथ साथ यानी कि आपको दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप जंप करते हो तो अपने फायर वाले बटन को ना ऊपर की साइड ड्रैग करो, ठीक है। यानी कि आप जैसे जंप करते हो उसी टाइम पे आपको फायर वाला बटन है, यानी कि आपके पैर जमीन को टच है वो नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, पहले जंप करना है, उसके तुरंत बाद ही आपको अपना फायर वाला बटन है वो उसको ऊपर की तरफ खींचना है। अब यहाँ पर मैंने तीसरी चीज बोली थी, वो होता है आपका एम, यानी कि आपको अपना एम है ना वो अपने शोल्डर के ऊपर रखना है। जैसे कि आप अपना एम शोल्डर के ऊपर रखोगे, चाहे एनिमी बैठा हो, चाहे एनिमी खड़ा हो, चाहे एनिमी रन कर रहा हो, ठीक है, कुछ भी कर रहा हो, आपका एम है ना वो सीधा जैसे आप ड्रैग करते हो तो उस टाइम पर आपको फ्री फायर के अंदर कैरेक्टर की साइज सेम होती है। यानी कि अगर आपकी साइज 5 मीटर है तो आपके सामने वाले एनिमी की कैरेक्टर की साइज भी 5 मीटर होगी। तो अगर आपका एम आपके शोल्डर के ऊपर है तो सिंपल सी बात है वो भी मतलब जो एनिमी होता है उसके कंधे के ऊपर ही जाएगा या शोल्डर के ऊपर ही जाएगा। तो जैसे आप हल्का सा ड्रैग करोगे ना तो वो शोल्डर से हटके सीधा हेड पर जाकर लगेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे आपको तीनों चीजें बता दी। यानी आपको तीन चीजें, पहले आपको जंप करना है, उसके बाद आपको ऊपर की साइड अपना फायर वाला बटन होता है उसको ड्रैग करना है, और अपना एम है वो शोल्डर के ऊपर रखना है। अब आप में से बहुत सारे बंदों का ये सवाल होगा कि हमको किस सेंसिटिविटी पे सबसे मतलब सुपर जंप हेडशॉट हम जब भी मारेंगे तो हमको किस सेंसिटिविटी पे खेलना चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपनी जो जनरल होता है ना उसके अंदर आपको जाना, ठीक है। अब जैसे आप जनरल सेंसिटिविटी के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको हमेशा इसको 100 करके रखना है, ठीक है। जितनी ज्यादा हाई सेंसिटिविटी होगी उतनी ज्यादा आपके ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट या फिर कहीं आप जो भी सुपर जंप हेडशॉट मारोगे तो वो हेडशॉट आपके कहीं हाई सेंसिटिविटी पे ही पड़ेंगे। आपकी अगर हाई सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो ही आपके हेडशॉट है वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना जो जनरल होता है रेड डॉट होता है 2x होता है 4x होता है, और भाई उसके बाद स्नाइपर स्कोप होता है, स्नाइपर स्कोप को आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 2x 4x है और रेड डॉट इन सभी को कहीं आपको 100 कर देना, ठीक है। जैसे कि आप 100 करते हो उसके बाद आपका गेम प्ले वो अलग ही लेवल का हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना क्योंकि कमेंट में आपका 100 डायमंड का गवा चल रहा है 200 डायमंड का। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार दिल से यार, और एक सपोर्ट भाई की तरह भी होता है तो भाई की तरह भी सपोर्ट कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब वाला बटन देखो नीचे साइड आपको दिख जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको सिंपली सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अभी के लिए इतना ही बोलूँगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।